हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे एडमिशन लेना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन सून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर वेरियस कोर्सेज। आपका वेरियस कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। तो आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, ये फॉर्म फिल कर लेना। अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करेंट स्टेट, करेंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट फी कौन से पे क्लिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिनोटेड एज MTU इज द न्यूली स्टार्टेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये इसको आप MTU के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। MTU वॉज रिकोगनाइज ड्यूरिंग 2016 एंड इज असम्ड एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका 2016 में रिकोगनाइज किया गया, के दौरान रिकोगनाइज किया गया। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2022 डिटेल्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम डेट एंड हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ़ीस के बारे में, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपको नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन रिलीजिंग सून, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ होने वाला है। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, GT गोइंका यूनिवर्सिटी, ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है और एडमिशन आपको ले लेना है। यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे हाईलाइट्स की। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, फुल फॉर्म दिया गया है, और यहाँ पे आपको ऑफ़र कोर्स कौन कौन से हैं वो ऑफ़र किया गया है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। फुल फॉर्म है आपका मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया, हेल्पलाइन, एड्रेस, ईमेल आईडी, वॉइस कनेक्शन, और स्टेट, यूनियन टेरिटरी, मणिपुर आपका स्टेट है, कंट्री इंडिया है। और यहाँ पे कोर्स कौन कौन से हैं ऑफर्ड है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इवेंट है और डेट्स हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका अगस्त में, लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का सितंबर में, सिलेक्शन लिस्ट आपका सितंबर में अनाउंस होगा। तो यहाँ पे ये BA कोर्स के लिए है, यहाँ पे BTEC कोर्स के लिए फर्स्ट राउंड के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका अगस्त में, लास्ट डेट आपका अगस्त में, सिलेक्शन लिस्ट आपका अगस्त में, और राउंड सेकंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका सितंबर में, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म का सिलेक्शन लिस्ट और सितंबर में। तो उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, MTU यानी कि मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगे जाएंगे वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद अपना फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स जो भी रहेगा वो आपको उसके साथ में कर देना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और आपको यहाँ पे कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस पे भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है, जनरल OBC वालों के लिए 200 रुपीज़, ST SC वालों के लिए 100 रुपीज़। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके पास 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से,
और उसमें आपका 45% मार्क्स होना चाहिए ट्वेल्थ में, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क्स, और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 31 जुलाई 1993 के बाद का ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपका रिजर्वेशन शीट के लिए दिया गया है इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ सकते हैं वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिलेबस दिया रहेगा, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उसके बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाना है, स्टडी मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए रहेंगे उनको अच्छे से रिवीजन करना है, एक अच्छे से बुक परचेस करके आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। और पर डे आपको 5 to 6 hours पढ़ना ही है तभी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे एडमिट कार्ड में कैसे आपको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। आपकी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटिव, आपका नाम, फ़ोटो, सिग्नेचर, एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम का डेट सब कुछ दिया रहेगा, आप वहाँ पे देख पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट कैसे चेक करना है। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर फिल कर लेना है, फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के काउंसलिंग में आपको काम आएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे काउंसलिंग की। काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग किसके बेस्ड पे होगा, यहाँ पे बेस्ड ऑफ CEE मेंस पे और बेस्ड ऑफ MTU एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपका यहाँ पे MTU एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे काउंसलिंग होगी, और आपका CEE मेंस 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे आपका काउंसलिंग होगा। तो आपका दो एग्ज़ाम होगा, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो एडमिशन में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे दिया गया है, आपका 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, 5 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगेगा और ID प्रूफ लगेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा। तो यहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपना पहले से ही करके रखना है अच्छे से, कि आपको काउंसलिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो एडमिशन के दौरान। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स तो मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर।